I request Shri Govindji Wairale of CITI-CDRA, आप आइए और आप कुछ extraordinary क्या कर रहे हैं? Because इनका study byproducts पे बहुत ही अच्छा है. He also teaches trains on byproducts. तो please आप 3 मिनट में जो आपको समय मिला, please share your extraordinary result that काम आपको मिला. हम लोगों का CITI-CDRA का कोऑपरेटिव वर्धा डिस्ट्रिक्ट में 14,000 farmers भी हैं adopted और उसका उन्होंने हर जगह हर विलेज में हमने 100 farmers adopt करके उनको 1-to-1 एडवाइस करके उनका इनके मतलब प्रोडक्शन गवर्नमेंट से अबाउट 50% इंक्रीज किया है. हमारे वो बनवर साहब पटुड़िया साहब यहाँ पे है, उनके मार्गदर्शन से पूरा काम हम कर रहे हैं. वैसे भी मतलब वो कपास का जो पराठी वो जला देते हैं, वो न जलाते हुए हम उसको बाय प्रोडक्ट करके उसका बायोकोल और उसको मतलब कंपोस्टिंग करके किसानों को एडिशनल इनकम के बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट एक ये है कि हम लोग जो हमेशा लीन परसेंट जो देखते हैं, हमने हर साल में करीबन 50 वेराइटीज हम लीन की मतलब वेराइटीज टेस्ट करते हैं. तो अबाउट तो 50 में से करीबन अब हमारे पास में 22 वेराइटीज ऐसे निकली है कि जिसका लीन परसेंटेज 36 के ऊपर है, 36-42. किसानों को लेकिन जो अभी जो कपास का रेट जो लेते हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद जो बातें होना चाहिए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. अगर उनका लीन परचेज के हिसाब से लीन परसेंट के हिसाब से उसका अगर रेट दिया जाए तो किसानों को काफ़ी फायदा मिल सकता है. और वैसे हमने हमारे प्रोजेक्ट में हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पुलवा में हम लोगों ने मतलब किसानों को बुलवाया है और वहाँ पे एक फैक्ट्री में ला के 80 ट्रॉली तो दिनिंग प्रसिद्ध फैक्ट्री वाले को बोला है कि आप अपना टेस्ट कर दीजिए और उन्होंने कपास सैंपल लाया, 20-20 किलो निकाला. करीबन जो 35% बेस के ऊपर उन्होंने बोला कि 100 रुपीज पर किलोग्राम ज़्यादा देंगे. करीबन 37 से 42% तक लीन परसेंट ज़्यादा मिला, 200 से 700 रुपये पर क्विंटल, मतलब एक ट्रॉली में 7,000 से 18,000 रुपये ज़्यादा मिला है. तो मेरा इंटरेस्ट यही है फार्मर्स के लिए कि लीन परसेंट के अंदर बेसिस और लीन परसेंट कपास रेट को डिसाइडेड. थैंक यू.